अब हम लोग शुरू करते हैं लॉर्ड लिंडन जो कि वायसराय बने 1931 में और रहे कब तक 1936 तक। ठीक, अब हम 1931 में दो इवेंट ऐसे हुए हैं जिसको हम लोग को पढ़ना ही पड़ेगा तभी यहाँ पे कनेक्ट कर पाएंगे। ये दोनों इवेंट हुए थे इरविन के टाइम में। इरविन के टाइम में क्या इवेंट हुए थे? गांधी इरविन पैट। तो हमने पढ़ा कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुआ था 1930 में, ठीक है, तो उसमें कांग्रेस ने पूरा बहिष्कार किया था उसका पूरा बायकॉट किया। जब बायकॉट किया तो क्या हुआ कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन फेल हो गया, ठीक है, और पूरा कांग्रेस बहिष्कार करके क्या करती है, गांधी जी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देती है। हमने बताया था कि नमक सत्याग्रह शुरू होता है साबरमती आश्रम से, फिर गांधी जी नमक कानून तोड़ते हैं और शुरू हो जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो गांधी जी और पूरी कांग्रेस उसमें बिजी होती है। दूसरी तरफ इरविन को लगता है कि अगर कांग्रेस जो भारत की सबसे बड़ी पार्टी है अगर वो हम बायकॉट कर देगी, अगर वो बायकॉट कर देगी गोलमेज सम्मेलन का, तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो गांधी जी के पास आते हैं कौन, इरविन, बोलते हैं कि हमसे समझौता कर लीजिए या हमसे जो है एग्रीमेंट साइन कर लीजिए और आप हमारे साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चलिए वहां पे भाग लेने। ठीक, गांधी जी कहते नहीं, हमारी कुछ मांगे हैं, अगर इसको आप मानते हैं तभी हम लोग तभी हम जाएंगे भाग लेने वहां पे, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो क्या उनकी मांगे होती है, जैसे कि जो लोग वायलेंस नहीं कर रहे होते हैं और उनकी ऊपर फर्जी केस लगे होते हैं उनको छुड़ाया जाए, ठीक है, और नमक बनाने का अधिकार दिया जाए, ठीक, और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जो होते हैं जो जिनके ऊपर केस चल रहा होता है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी वाला जो केस चल रहा होता है उनको छोड़ा जाए, लेकिन ये शर्त मानी नहीं जाती है, ठीक है, गांधी जी ने ये भी शर्त दी होती लेकिन वो मानते नहीं है। और जो है इसके बदले गांधी जी क्या एक्सेप्ट करते हैं कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की एक लौती प्रतिनिधि बनकर के जाते हैं इंग्लैंड, ठीक। तो ये दोनों सीक्वेंस में हो गया। अब क्या होता है कि 1932 में जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है तो वहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कौन करते हैं, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, तीनों गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, लेकिन सेकेंड वाले में जो पृथक निर्वाचक मंडल होता है दलितों के लिए वो एक्सेप्ट नहीं होता है वहां पे डिस्कशन में वो रिजल्ट नहीं कर जाते, क्योंकि गांधी जी भी होते हैं, गांधी जी अपोज करते हैं पृथक निर्वाचक मंडल का दलितों के लिए। तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या गेम करती है कि वहां पर राम सिंह मैकडोनल्ड वो अलग से अनाउंस कर देते हैं 16 अगस्त 1932 को अलग से अनाउंस कर देते हैं क्या, सांप्रदायिक पुरस्कार, मतलब दलितों के लिए अलग से पृथक निर्वाचक मंडल, जहां पे 71 सीट दी जाती है दलितों को। जैसे क्या था सिस्टम, जैसे मुस्लिम को जब पृथक निर्वाचक मंडल मिला था तो क्या हुआ था उसमें कि मुस्लिम ही मुस्लिम को वोट देगा, ठीक है, तो यहां वही सिस्टम हुआ कि 71 सीट पे दलित ही दलित को वोट देगा। तो गांधी जी को इस चीज का बहुत डर हो गया कि हिंदू समाज पूरी तरह से बिखर जाएगा अगर दलित अलग हो जाएंगे तो, ठीक है। तो इसीलिए राम सिंह मैकडोनल्ड को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोला जाता है, फादर ऑफ कम्युनल अवार्ड या इलेक्टोरेट भी बोला जाता है इनको, ठीक। इसके अगेंस्ट में गांधी जी करते हैं क्या, आमरण अनशन मतलब फास्ट अनटू डेथ, इसके अगेंस्ट में इसलिए करते हैं फास्ट कि इसको खत्म कर दिया जाए या दलित इसको रिजेक्ट कर दे। इसके अगेंस्ट में गांधी जी को मनाने के लिए क्या समझौता साइन होता है, पूना पैक साइन होता है कब, 24 सितंबर को पूना पैक साइन होगा, ठीक है, 24 सितंबर 1932 को पूना पैक साइन होगा, किसके बीच में, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में, जहां पे गांधी जी साइन नहीं करते हैं, गांधी जी पूना पैक का साइन नहीं करते, सवाल आ चुका है, उनकी जगह पे मदन मोहन मालवीय साइन करते हैं, मदन मोहन मालवीय साइन करते हैं। इसमें होता क्या है कि जो 71 सीट थी उसको बढ़ा के 148 कर देते हैं, 71 से 148 सीट हो जाती है, लेकिन ये सीट जो थी 71 जो सीट थी
कमलर अवार्ड के अंदर वो थी पृथक निर्वाचक मंडल के तहत। यहाँ पे जो सीट है वो है रिजर्वेशन वाली सीट कि 148 सीट दलित रिजर्व रहेगी, ठीक है, वहां पे दलित ही खड़ा होगा लेकिन वोट सब देंगे। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या सिस्टम था कि वहां पे अगर दलित है तो दलित ही वोट देगा, ठीक। तो यहां पे सीट बढ़ा करके पूना पैक्ट में कितनी कर दी जाती, 148, ठीक है। तो और मदन मोहन मालवीय जी ने पूना पैक्ट साइन किया था ऑन बिहाफ ऑफ गांधी जी, गांधी जी के बदले में। इसी के बाद गांधी जी शपथ लेते हैं कि हम जो है दलितों के उद्धार के लिए काम करेंगे, दलितों के लिए एक नया वर्ड जो करते हैं इनका, उसका नाम है हरिजन, और हरिजन सेवक संघ संघ की स्थापना होती है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कौन करते हैं, गांधी जी करते हैं, ताकि जो है दलितों का उद्धार किया जा सके, उनके डेवलपमेंट के लिए काम किया जा सके, ठीक है। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना होती है, तो सब कनेक्टेड है, ठीक है। पहले गांधी जी समझौता होगा, ठीक, फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी और अम्बेडकर जी दोनों रहेंगे। अम्बेडकर जी जो है दलितों के लिए की मांग रखते हैं कि उनके लिए सेपरेट प्लेट रखा जाए। गांधी जी को कुछ वहां पे फ्रूटफुल नहीं आता है तो मीटिंग उसके लिए उनके लिए बेकार हो जाती है, ठीक है। फिर सांप्रदायिक पुरस्कार देते हैं कौन, रायन से मैडुलर। फिर वही पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल की, ठीक है, बांटो और राज करो। फिर गांधी जी फास्ट एंड टू डेथ करते हैं, आमरण अनशन करते हैं, और फिर पूना पैक साइन होता है गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में, जहां पे गांधी जी साइन नहीं करते हैं, मदन मोहन मालवीय साइन करते हैं, और सीट जो है 71 से बढ़ा करके 148 कर दी जाती है, ठीक है। फिर गांधी हरिजन सेवक संघ की स्थापना करते हैं। अब आया 1934 का टाइम, 1934 में क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होगी 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना होगी। किस कमेटी ने रिकमेंड किया था रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए, वो बताइए। इसका जो है जो शुरू में हेडक्वार्टर होता है कोलकाता होता है, बाद में फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया वहां पे ट्रांसफर हो जाता है, मतलब कोलकाता से ये ट्रांसफर हो जाएगा मुंबई में, जिसको हम लोग फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं इंडिया का। 1937 में, 1934 में ही, मई 1934 में ही जो है बेसिकली आरबीआई एक्ट 1934 से बनता है, लेकिन इसका जो एस्टेब्लिशमेंट होता है आरबीआई एक्ट 1934 से होता है, लेकिन ये डेल में एस्टेब्लिश होता है 1 अप्रैल 1935 को। फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है मई में, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होगी मई 1934 में। कौन कौन होता है इसमें, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण इसके संस्थापक सदस्य होते हैं। और 1934 में ही रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है, रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। हमने जब भी आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग, ठीक है, दिखाई पड़ेंगे, और अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग होते हैं तो अलग अलग पार्टियां होती हैं, ठीक है, तो अलग अलग पार्टियां अपना अलग अलग लोगों के सदस्यों के साथ रहती है, तभी उनको मतलब लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहती है। जैसे आपको हर तरह की पार्टी नजर आएगी, सोशलिस्ट पार्टी में नजर आएगी, कम्युनिस्ट पार्टी में नजर आएगी, फिर उसके बाद जो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट दोनों भी वो भी नजर आएगी, मार्क्सिस्ट पार्टी भी नजर आएगी। तो रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है अगस्त में कोलकाता के अंदर, और कौन स्थापना करता है, सोमनेन्द्र नाथ टैगोर इसकी स्थापना करेंगे, सोमनेन्द्र नाथ टैगोर इसकी स्थापना करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास होगा, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास होगा, और 1935 में बर्मा इंडिया से अलग हो जाएगा, बर्मा इंडिया से अलग हो जाएगा। अब 1936 में क्या होता है, ओडिशा और बिहार को अलग कर दिया जाता है, एक अलग सूबा बना दिया जाता है, एक अलग प्रोविंस बना दिया जाता है, ठीक है। याद करिए 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था, दिल्ली दरबार में दो फैसले लिए गए थे अहम। एक फैसला लिया गया था कि बंगाल पार्टीशन को रद्द कर दिया गया, बंगाल पार्टीशन को रद्द कर दिया गया, और दूसरा फैसला यह था कि बंगाल से, ठीक है,
बंगाल से निकाल करके ओडिशा और बिहार को अलग कर दिया गया, ओडिशा और बिहार को अलग कर दिया गया। लेकिन 1936 में क्या किया गया, 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा बिहार को ही अलग कर दिया गया, ठीक है। उस तरह से दो नए प्रोविंस निकल कर गया है, ठीक। और 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना हुई, ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना हुई, ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना हुई कब, 1936 में 11 अप्रैल को, ठीक है, 11 अप्रैल 1936 को, ये कब हुआ था, 1 अप्रैल को। और ऑल इंडिया किसान सभा या अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना हुई किसने की, सहजानंद सरस्वती ने, सहजानंद सरस्वती ने कहां पर की थी, लखनऊ में। तो यूपी स्पेशल में भी आ सकता है सवाल कि ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कहां पे हुई थी, लखनऊ में हुई थी, सहजानंद सरस्वती ने की थी 11 अप्रैल को, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस सेशन भी, कांग्रेस सेशन भी अप्रैल में, अगले ही दिन अप्रैल में हुआ था कांग्रेस सेशन, वो भी लखनऊ में हुआ था। 1936 का जो कांग्रेस सेशन हुआ वो लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे नेहरू प्रेसिडेंट थे, यहाँ पे नेहरू प्रेसिडेंट थे। और यहाँ पे दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हुई थी, पहली चीज ये कि इसी अधिवेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिजेक्ट कर दिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है। और जो है यहाँ पे समाजवाद को एक्सेप्ट किया गया था एज अ गोल, कि समाजवाद हमारा लक्ष्य होगा, नेहरू जी ने बोला कि समाजवाद हमारा लक्ष्य होगा। तो अडॉप्टेड सोशलिज्म एज अ गोल, ये क्या हुआ कि इन दिस सेशन नेहरू अडॉप्टेड सोशलिज्म एज अ गोल, समाजवाद को लक्ष्य मान लिया गया इस अधिवेशन के अंदर, ठीक है। अब समाजवाद को जब लक्ष्य मान लिया जाएगा तो क्या होगा, जो पूंजीवादी विचारधारा के लोग हैं, जो बिजनेसमैन क्लास है, उसको बुरा लगेगा, उसको तकलीफ होगा, ठीक है। तो उन लोगों ने एक बॉम्बे मैनिफेस्टो लॉन्च किया था उस टाइम, बॉम्बे मैनिफेस्टो मतलब एक प्रपोजल था, उसको बॉम्बे मैनिफेस्टो बोला जाता था, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति थे बॉम्बे के, मतलब मुंबई के, उन लोगों ने यह मैनिफेस्टो बनाया था। वो अगेंस्ट था किसके, नेहरू जी के समाजवाद के खिलाफ, ठीक है, वो नेहरू जी के समाजवाद के खिलाफ था, ये जो बॉम्बे मैनिफेस्टो था ये नेहरू जी के समाजवाद के खिलाफ था। और किसको, किसने लॉन्च किया था इसको, जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे मुंबई के, उन लोगों ने। ये कब लॉन्च हुआ, 1936 में, मई में, ठीक। और हेले नेशनल पार्क या कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसको हम लोग हेले या कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसकी स्थापना कब हुई थी, अगस्त 1936 में। अब इन दोनों को हमने अलग इसीलिए लिखा है, इस तरफ लिखा है, क्योंकि 18 अप्रैल 1936 को लॉर्ड विलिंगडन चले जाते हैं, ठीक है, अब इसके बाद दूसरे वायसराय आएंगे, इसलिए हमने दोनों इधर लिखा है। लेकिन चीजें सीक्वेंस में होनी चाहिए, रिदम में होनी चाहिए, इसलिए सारा यही बताया मैंने, लॉर्ड विलिंगडन हो गया।